मिसाइल आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। कल हमने आपके सामने जो वीडियो पेश की थी कि कल जब हमने वीडियो बनाई थी तो 28 से 29 घंटे हो चुके थे, जब तक अरबाज का कोई पता नहीं चला था। और कल जो डिजास्टर डिपार्टमेंट के लोग आए थे उन्होंने आज सवेरे का वक्त दिया था, तो वो आए हुए हैं यहाँ पर। लेकिन उनका ये कहना है कि चूँकि इस वक्त भर्ती उतर रही है और पानी कम है यहाँ पर, तो जो उनके पास जो बोट है वो नाकाफ़ी, और एक उन्हें बोट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो रेस्क्यू अपना कर सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे टीम की टीम आई हुई है और ये लोग अभी बोट का इंतजाम करेंगे। पानी कम है उसके बाद ही ये लोग उसका सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। यहाँ पर अरबाज के सब रिश्तेदारी मौजूद हैं जो काफ़ी गम और निराल काफ़ी गम से निढाल हैं लोग। बस उन सबको ये उम्मीद है, आशा है कि आज अरबाज किसी भी तरह से उनको मिल जाए, उनके घर वालों तक अरबाज पहुँच जाए। जैसी अपडेट हम होती रहेगी हम आप तक इंशाल्लाह पहुँचाते रहेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं चुहा पुल पर, जहाँ से ये परसों ये दुखद हादसा 1 बजे दोपहर में हुआ था। इस वक्त रेस्क्यू टीम यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि पानी कम है यहाँ बता रहे हैं, और उनके लोग एक दूसरे बोट की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें, उसका अरेंजमेंट किया जा रहा है, उसके बाद ही वो लोग उसमें उतर के उसे तलाश करना शुरू करेंगे। जैसी अपडेट रहेगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अच्छा, TVRF जो टीम है उसके यहाँ पर सीनियर मौजूद हैं चेतन साहब। हाँ चेतन साहब, क्या दिक्कत अभी पेश आ रही है आपको? कल हमें सुबह माननीय आपत्ति व्यवस्थापन अधिकारी संतोष कदम साहब ने कॉल दिया था, हम तुरंत यहाँ पे थाने से आके सर्च ऑपरेशन किया था 2-3 तास, और वो तरुण का हमें शव नहीं मिला था, बॉडी नहीं मिली थी। आज फिर से दूसरे दिन हमने सर्च ऑपरेशन चालू किया, बोट छोटी होने की वजह से वो ऑपरेशन पूरा नहीं हो रहा, इसलिए बड़ा बोट की तुरंत आवश्यकता करनी पड़ेगी, हम उसके व्यवस्था कर रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, जैसे दूर तक जाना पड़ेगा, यहाँ आसपास में हो सकता है, कहाँ हो सकता है वो? हाँ, वो बड़ी बोट होंगी तो हम दूर दूर सर्च ऑपरेशन करके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो बड़ी बोट की आवश्यकता है ही है। तो कब तक अरेंज हो जाएगा आपको लग रहा है? अभी दो तास लगेंगे वो बोट आने के लिए, हम उसके बाद सर्च ऑपरेशन करेंगे। मना 3 दिवस झाले भाऊ, तुम्ही केले तर काय नाही होणार, इथे कोण आहे येत नाही लावत काय काय म्हणायचं? मग नगरसेवक सानू पठाण सर आले काल, तुम्ही सांगितलं मी याला बोलवला त्याला बोलवला, गोता खर लावणार आहे फक्त काल आले, एवढा फोटो मध्ये घेतले मुंब्रा मध्ये, त्यांचं काही ऐका नाही, त्यांचं पण प्रेशर पडला नाही तुम्हाला, गेले परत म्हणजे तुमचं म्हणणं काय? ऑनलाइन वरती टाकले तेवढं झालं, मग एवढं सांगून गेलेले तरी तुम्ही काय ऍक्शन घेतलं नाही? अहो पद्धतीने आहे काय, कवर काम माणूस पाहिजे तरी कसं काही व्यवस्था आहे ना? अभी भरनी चालू हो जाएगी 1 बजे के टाइम पे, कल से वहाँ कोई उतरता नहीं, खाली कम हो दो कम हो गया, कम होने लो कभी जिंदगी में कम नहीं होगा। उधर बोले थे देखे उधर पे, और वो भी नीचे नहीं गए, नीचे नहीं गए, सिर्फ चल चल के जितना जा सकते उतना ही गए, वो लेते हैं पानी में चल ही जाता चल। ढूंढ रहे ना वहाँ पे, हम लोग ने पहले भी नहीं ढूंढ लिए थे, कितना देर हुआ इन लोग को आए, कितना देर हुआ नाजन? आप देख सकते हैं कि ये TDRF के जो जवान हैं वो नाव में बैठकर सर्च अभियान यहाँ किनारे चल रहा है, क्योंकि पानी का बहाव मुखालिफ सिमत में है और इनका इस तरफ आना है इसमें थोड़ी दिक्कत भी उनको पेश आ रही है। बहरहाल सर्च का अभियान जारी है, किनारे किनारे वो लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं अरबाज उनको रिकवर हो जाए। आप देख सकते हैं चुहा पुल के नीचे से परिवार का जो कहना था कि भाई इस तरफ सर्च नहीं किया गया जहां वो उसे आखिरी बार देखा गया था, हम आपको लाइव यहां दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर अरबाज के छलांग लगाने के बाद अरबाज ने इस यहां से छलांग लगाया, तो इस पार यहां उसे 2 बार देखा गया था। तो अब वो TDRF के लोग अभी बोट पर यहाँ पर आ रहे हैं, उनका अभियान जारी है, और अभी देखें किनारे किनारे वो तलाश करते करते इस तरफ आ रहे हैं। नाज़िम, यही वो जगह है जहाँ पर आखिरी बार अरबाज को देखा गया था 2 बार डुबकी लगाते हुए, और फिर तीसरी बार वो नज़र नहीं आया। अब यहाँ पर वो टीम पहुँच चुकी है TDRF की, और यहाँ पर उसका सर्च उसकी तलाश जारी है। तो मिसाइल आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। इस वक्त तकरीबन 40-42 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अरबाज का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। परिवार परेशान है, लोग यहाँ पर आते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ कि शायद आज अरबाज हमें मिल जाए। बता दें कि परसों दोपहर 1 बजे का ये दुखद हादसा हुआ था, उसके बाद से मुसलसल रेस्क्यू की टीम भी यहाँ पर आती है, लेकिन बस वो खेल रही है, उनके पास यानी जो उनका जो सिस्टम है वो सिस्टम ही बेकार है ना, उनके पास नाव है ना, उनके पास गोताखोर हैं, आते हैं कभी बोलते हैं पानी इस तरफ बह रहा है, कभी बोलते हैं पानी उस तरफ बह रहा है, पानी का बहाव ज़्यादा है। बहरहाल काफ़ी यहाँ पर माहौल इस वक्त थोड़ा गर्म भी हुआ, परिवार के लोग अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी नाराज़ भी हुए, जो उनके जो जिम्मेदारान हैं TDRF के और रेस्क्यू टीम के, तो उन लोगों ने कहा कि हमें एक मोटर बोट चाहिए, मशीन मोटर बोट चाहिए, ताकि जिसके ज़रिए हम दूर तक जाकर उसे तलाश कर सकें। यही बात उन परिवार वालों ने कही कि ये काम आप परसों भी कर सकते थे, आज आप हमसे कह रहे हैं, हम कहाँ से मोटर बोट का इंतज़ाम
करेंगे। बहरहाल रेस्क्यू की टीम आई हुई है और उनको यहाँ पर सुबह 7:20 पर यहाँ पहुँच चुके हैं। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। अभी भी सिर्फ एक नाव में 2 लोग उतरे हैं और दूर तक गए हुए हैं। फिर वही कहानी दोहराई जाएगी कि पानी बढ़ गया है और पानी ज़्यादा है, हम तलाश नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार के लोग काफ़ी दुखद बैठे हुए, उनकी बहनें बैठी हुई हैं और जाहिर सी बात है अगर किसी परिवार को कोई एक सदस्य चला जाता है उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, ये हम और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे घरों में भी हमारे जवान बच्चे हैं, जवान बच्चे का जाना बहुत ही दुखदायक होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि उनकी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर। ये बताएं कि ये क्या खेल चल रहा है, हम देख रहे हैं, मीडिया भी देख रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले दिन से एक ही बात चली है, फायर ब्रिगेड को बोला गया कि पानी में कूदो करके, तो फायर ब्रिगेड ने साफ बोला कि अभी नहीं कूदेंगे, 12 घंटा होएगा तो ही हम लोग कूदेंगे क्योंकि हमारे पास जैकेट नहीं है। तो फिर आप है किस नाम के फायर ब्रिगेड, जब आप एक इंसान एक बच्चे की जान नहीं बचा सकते हो कि एक नाम पे धब्बा हो कि तुम लोग जब 12 घंटे क्या सोच के तुम लोग रुके हो, ताबड़तोब अगर कर देते तो आज बच जाता। अच्छा, ये बात सुनने में आई कि अभी वो लोगों ने आपसे मांग की कि हमें बोट का इंतजाम करा के दीजिए। हाँ, ये उन लोग ने करे, जब आप लोग करे तो कल करके दे रहे थे, पर उन लोग ने बोले नहीं हम लोग को वो चीज़ की जरूरत नहीं है। आज जब नहीं करे तो आज बोले कि हम लोग को कि तुम लोग इंतजाम करो। आज हम ना हम लोग ना कुछ पता है कहाँ मिलता है कैसा, ये जिम्मेदारी उन लोग की है, हम लोग की नहीं है। अच्छा, आखिरी बार ये बता रहे हैं कि यहाँ जब वो छलांग लगाया तो यहाँ देखा गया था और आपकी तरफ से परिवार से ये मांग हो रही है कि यहाँ तलाश किया जाए, तो यहाँ तलाश नहीं कर रहा है, कोई तलाश नहीं कर रहा है, बस यही बोला जा रहा है 50 फुट है 100 फुट है, वो डर के मारे कोई अंदर जा ही नहीं रहा है ना देख रहा है, बस यहाँ वहाँ किनारे पे देखते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। हम लोग बोले, हम लोग को उधर सब लोग, बच्चा जो साथ में था वो नहीं टुकड़े में बोला लास्ट टाइम नातिक था साथ में, हाँ उधर ही मिला, तो हम लोग फोर्स कर रहे को उधर देखो लेकिन उधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हमारे साथ अरबाज की बड़ी बहन भी यहाँ मौजूद हैं। जी आप एक मिनट, क्या क्या जी क्या तकलीफ, क्या मैं मम्मी हूँ जी, उनकी वालदा, माफ़ कीजिएगा, उनकी वालदा मौजूद हैं, हम आपके गम को समझ सकते हैं, बहुत ही सब राजमा लम्हा आप लोगों के लिए है और अल्लाह ताला हम तो ये उम्मीद करेंगे कि वो कहीं से जिंदा सलामत आपके पास आ जाए ताकि आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट फिर आ जाए, उसको देख कर आती होगी। क्या 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 उम्मीद करना चाह रही हैं? उम्मीद तो देखिए, अब हम लोगों को इन लोगों से कुछ भी नहीं रही क्योंकि 3 दिन से सिर्फ एक ही बात दोहराई जाती है, पानी कम होने दो, पानी कम होता है तो पानी ज़्यादा होने दो, तो किस चीज़ का इंतज़ार करें, पानी कम होने का या पानी ज़्यादा होने का? हमारे बच्चे कल सुबह में 10 बजे से 4 बजे तक के ढूंढ रहे हैं बोट लेके, उन लोगों ने क्या किए? यानी आपके बच्चे खुद उतरे, खुद उतरे और खुद बोट लेकर गए हैं और खुद सुबह के 10 बजे से 4 बजे रिटर्न आए, ये लोग की तरफ से कुछ नहीं हुआ। ये लोग पानी में जितना उतर रहे उतना तो छोटे बच्चे तैरने के लिए उतरते, स्विमिंग पूल में उतरते वैसा ये लोग उतर रहे और दिखा रहे रस्सी बांध रहे, जैकेट पहन रहे। अरे जैकेट का मतलब ये है कि तुम नीचे जाओ, मतलब ये होता है ना, सेफ्टी के नीचे लगातार 2 दिन से ढूंढ रहे, मिल रहे, सुबह से लोग शाम तक नीचे रहते हैं पर इन लोग कोई हेल्प नहीं करता है, बस हमारे घर के बच्चे उतर। अब ये बताएं जी, बोट थी कल हमारे पास, बोट थी तो उन लोगों ने बोले अभी बोट नहीं चला सकते, इंजन बोट कल थी, बोले अभी नहीं चला सकते, पानी बहुत कम है। जब पानी बढ़ा तो उन लोगों को बोले कि पानी बढ़ गया है अब आप बोट का इस्तेमाल करोगे, नहीं हमको बोट की जरूरत अब नहीं है। और आज जब पानी बहुत ही ज़्यादा कम है तो वो लोग बोल रहे हैं आप पानी बढ़ने का इंतज़ार करो और बोट का इंतज़ार करो, हमको बोट ला के दो। हम लोग बोट कहाँ से ला के देंगे, कब तक ला कर देंगे और कब तक करेंगे? तो तुम लोगों का मतलब क्या है यहाँ पर आने का? सिर्फ शो करना चाहते कि ये जगह पे मौजूद है, उनकी मौजूदगी नहीं चाहिए हमको, उनका एक्शन चाहिए। तो यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग, उनकी तरफ से कोई मदद या कोई आश्वासन आपको आ रहा है? बस कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, अब तक ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला हमको। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ, तो अरबाज की वालदा मौजूद थी, उनकी बहनें मौजूद, देख सकते हैं हमारे भाई 3 दिन हो गए और अभी तक के उन लोग उतरे नहीं है, और अगर आपकी सुविधा नहीं मिल सकती तो हम लोग उतर जाएंगे क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे वो गोताखोर है। क्या लगते बेटा? हाँ, हमारे अरबाज बड़े भाई है। अच्छा, छोटे भाई अरबाज। हाँ, तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं? अगर नहीं हो सकता तो आप बता दीजिए, हम लोग अपने गोताखोर उतार दे, बहुत टाइम हो गया अंकल। तो नाज़रीन देखा आपने कि यहाँ पर बहुत ही दुख का भी माहौल है और गुस्से का भी माहौल है क्योंकि आज 40-42 घंटे हो चुके हैं, 3रा दिन है और एक तरह से देखा जाए तो ड्रामा सीन चल रहा है, बस लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, स्टेज पे खाली किरदार बदल रहे हैं, लेकिन अभी तक अरबाज का पता नहीं है। यहाँ पर उनकी वालदा से हमने बात की, उनकी बहनों से बात की और जो यहाँ के जो रेस्क्यू टीम के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि हमें बोट की ज़रूरत है। अब यहाँ जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि बोट की बात हमने कल भी कही थी, अगर आपको इंजन बोट की ज़रूरत हम देते हैं, तो कल टीम ने इनकार किया था, कहा कि नहीं पानी बहुत कम है और पानी जब ज़्यादा होगा तो हम लेंगे, और इस वक्त अब आज जब सुबह आए तो पानी वाकई कम था, हम भी यहाँ पहुँचे सुबह 7:30 बजे करीब आ गए थे हम यहाँ पर, तो उनसे जब बात की गई तो उनका हमें बोट की ज़रूरत है।
तो आप आज वो लोग वोट मांग रहे हैं, तो ये इस तरह की बहुत सी बातें चल रही हैं यहाँ पर। और परिवार का साफ साफ इल्ज़ाम है कि टाल मटोल किया जा रहा है, और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया अगर ये कोई वीआईपी का बच्चा होता या किसी सेलिब्रिटी का बच्चा होता तो अब तक उसे ढूंढ कर निकाल लिया गया होता। बहरहाल एक परिवार पर क्या गुजर रही होगी, एक माँ एक बहन पर, उनकी पूरी फैमिली पर, इस दुख को समझना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जब किसी घर का जवान बच्चा चला जाता है तो जो गमों का पहाड़ टूटता है वो बयान से बाहर होता है। हम यही आशा करेंगे कि जल्द से जल्द अरबाज़ रिकवर हो जाए और उनकी फैमिली तक अरबाज़ पहुँचे। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल एलान टाइम्स, क्योंकि हम आपसे खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं।